नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। इस वार्ता का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा कि हम लोग सावित्री के जो दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ नंबर 582 और 583, इन दो पृष्ठों से हम पंक्तिशः पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद और भावार्थ करेंगे। अच्छा, सत्र के दौरान जैसा कि आपको बता दिया है कि हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे, सत्र के अंत में प्रश्न ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप सत्र के पश्चात व्यक्तिगत रूप से प्रश्न कर लें। और हम इस सत्र का जो आरंभ है, सबसे पहले श्री माँ का स्मरण करके और शांति मंत्र का उच्चारण करके करेंगे। जैसा कि आज इस सत्र में कुछ लोग नए हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि सभी ने सावित्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, परंतु फिर भी मैं दो मिनट में सावित्री के विषय में कुछ बात कहना चाहूँगा और उसके बाद हम अपने रेगुलर उस पर प्रसंग पर आएंगे। सावित्री हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सावित्री को अगर हम देखें तो सावित्री के तीन स्तर हैं और इसके प्रथम स्तर पर सत्यवान और सावित्री की एक रोचक कथा है। परंतु यह यदि केवल कथा मात्र होती तो शायद हम इसको एक बार पढ़ लेते और फिर इतिश्री हो जाती। परंतु सावित्री इतना ही नहीं है, सावित्री में बहुत कुछ और है और इसलिए इसे हम एक गूढ़ शास्त्र के समान हम बार बार इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें हर बार कुछ नया मिलता है। सावित्री का जो दूसरा स्तर है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले स्तर पर एक कथा चलती रहती है सत्यवान और सावित्री की, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, परंतु दूसरे स्तर पर सावित्री में आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल भंडार है और इसमें मनुष्य के समक्ष उत्पन्न होने वाले सभी जो जीवन संबंधी गूढ़ प्रश्न हैं उनके उत्तर छुपे हुए हैं। और सावित्री, जो भी व्यक्ति जरा भी प्राण से ऊपर उठकर मन के स्तर पर स्थित है और जिसके भी मन में ये प्रश्न उठते हैं कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, वो यहाँ क्यों आया है, उसे अपने जीवन में क्या करना है, अथवा भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की है, भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो यह सब प्रश्नों का उत्तर सावित्री में हमें बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। और इसके मनन से हमारा न केवल मन शांत होता है अपितु हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। तो यह जो सावित्री का दूसरा स्तर है उसका लाभ रहता है। परंतु इसके और गहराई में जाएं तो सावित्री का एक तीसरा स्तर भी है। सावित्री एक मंत्र है और जैसे कि सभी मंत्रों की शक्ति होती है, यह जो मंत्र है चेतना के उच्चतम स्तर से लाया गया है और यह हमारे हृदय में जो स्थित चैत्य पुरुष है उसको संबोधित करता है। तो ना केवल सावित्री हमारे मन को व्यवस्थित करती है, उसको दिशा देती है, अपितु हमारे चैत्य पुरुष को भी जागृत करती है,
उसे पोषित करती है और विकसित करती है। और सावित्री एक रूपांतरकारी मंत्र है, इसमें मनुष्य को उच्चतम स्तर पर ले जाने की संभावना है। और यह इसके जो पठन से और इसके संपर्क से मनुष्य पूर्ण रूपांतर को भी प्राप्त कर सकता है। तो यह तो सावित्री का जो है महात्म्य है। इस ब्रीफ उसके बाद भूमिका के बाद मैं आपके समक्ष जो है जो आज का विषय है वो रख रहा हूँ। हम इस समय पर्व 9 और सर्ग 2 पर हैं और यह पृष्ठ नंबर है 582 और 583, इस पर हम इस समय हैं। सर्ग का जो शीर्षक है द जर्नी इन इटर्नल नाइट एंड द वॉइस ऑफ डार्कनेस, शाश्वत रात्रि में यात्रा और अंधकार की वाचा। अब इस सर्ग से पूर्व की कथा क्या है, अभी तक सावित्री में क्या हो चुका है, हम उसका थोड़ा सा वर्णन ले लेते हैं कि सावित्री जो है इस सर्ग से पूर्व हमने देखा था कि सावित्री ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है और उसके पश्चात सावित्री जो सर्व निषेधाकारी परम है उनसे जो है उनकी भेंट हो जाती है और उसके पश्चात सावित्री जो है विश्व और विश्व आत्मा इन दोनों से एकात्मता प्राप्त कर लेती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के पश्चात वह घोर दिवस आता है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित हुआ है। यह वह दिन है जिसके लिए सावित्री ने धरा पर जन्म लिया है। सावित्री को अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है और इसके द्वारा जो मनुष्य की जो विकास यात्रा चल रही है उसमें उसको एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाना है, एक नए युग में प्रवेश करना है। सत्यवान की मृत्यु हो चुकी है। सत्यवान के मृत शरीर के पास में सावित्री बैठी हैं। वो क्रंदन रहित हैं, विचार शून्य हैं, परंतु दुखी हैं। तभी ऐसी घोर स्थिति में सावित्री की सत्ता में एक दिव्य परिवर्तन होता है और उनकी सत्ता में मानवता के जो सभी अंश हैं वो समाप्त हो जाते हैं और एक दिव्य शक्ति उनकी सत्ता का संचालन करने लगती है। उसके कुछ समय बाद वहाँ पर यमराज प्रकट होते हैं और वे सत्यवान की आत्मा को अपने साथ लेकर अंधकारमय महाशून्य की ओर बढ़ने लगते हैं। सावित्री को मृत्यु स्वीकार नहीं है, वह यम का पीछा करती हैं, परंतु यमराज सावित्री को धरा पर वापस लौटने के लिए कहते हैं। सावित्री उनके आदेश को नहीं मानती और उनका पीछा करती रहती हैं। अंततः वे तीनों शाश्वत रात्रि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इस शाश्वत रात्रि में प्रवेश के पश्चात वहां क्या घटित होता है उसका वर्णन इस सर्ग में है। जो हम आज पहले दो पृष्ठ ले रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि ये जो शाश्वत रात्रि का जो द्वार है उसके बाहर जब ये तीनों पहुंचते हैं तो कैसा वातावरण है, कैसा प्रवेश है और फिर उसके अंदर जाने के बाद क्या होता है। तो हम सबसे पहले 582 पृष्ठ प्रथम पंक्ति पर आते हैं, शाश्वत रात्रि के द्वार पर। अ वाइल ऑन द चिल ड्रेडफुल एज ऑफ नाइट ऑल स्टूड एज इफ अ वर्ल्ड वर डूम्ड टू डाई एंड वेटेड ऑन द इटर्नल साइलेंस ब्रिंक। तो यहां पर जो है कैसा अनुभव होता है, अ वाइल ऑन द चिल ड्रेडफुल एज ऑफ नाइट, यहां पर जो है महारात्रि का एक भाव शून्य और भयानक छोर है।
अवाइल ऑन द चिल ड्रेडफुल एज ऑफ नाइट ऑल स्टूड एज इफ ए वर्ल्ड वर डूम टू डाई। यहाँ पर सब कुछ ऐसा था जैसे कि एक जगत समाप्त होने वाला है, अर्थात हम शाश्वत रात्रि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और शाश्वत रात्रि के अंतर में सभी कुछ समाप्त हो जाता है। अवाइल ऑन द चिल ड्रेडफुल एज ऑफ नाइट ऑल स्टूड एज इफ ए वर्ल्ड वर डूम टू डाई एंड वेटेड ऑन द इटर्नल साइलेंस ब्रिंग। और यहाँ पर सभी उस शाश्वत शांति के छोर पर प्रतीक्षा करते हैं। तभी क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक कोई विपत्ति, मेघ रूपी विपत्ति नीचे की ओर आती है। हेवन लीन टूवर्ड्स देम, तीनों वहां पर खड़े हैं शाश्वत रात्रि के द्वार पर और जो आकाश है वो उनकी ओर झुकता है। हेवन लीन्ड टूवर्ड्स देम लाइक ए क्लाउडी ब्रो ऑफ मेनेस थ्रू द डिम एंड वॉइसलेस हश। तो वहां पर एक धूमिल और निशब्द सन्नाटा है और उस वातावरण में आकाश का जो मेघ रूपी मस्तक है एक विपत्ति के समान उनके ऊपर झुकता है। हेवन लीन टूवर्ड्स देम लाइक ए क्लाउडी ब्रो ऑफ मेनेस थ्रू द डिम एंड वॉइसलेस हश। यहां पर जो है इस स्थिति पर ऐसा है कि सब कुछ थम जाता है। ये निराशा का द्वार है। यहां पर पहुंच कर जो है विचार भी थम जाते हैं। एज थॉट्स स्टैंड म्यूट ऑन ए डिस्पेयरिंग वर्ज वेयर द लास्ट डेप्थ प्लंज इन टू नथिंगनेस एंड द लास्ट ड्रीम मस्ट एंड दे पॉज्ड। तो वे सब वहां पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और किस प्रकार से कि वो बिल्कुल भी विचार शून्य हैं, उनके उस स्थान पर खड़े होकर उनके मन में कोई भी विचार नहीं है। एज थॉट्स स्टैंड म्यूट ऑन ए डिस्पेयरिंग वर्ज, जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में देखा होगा कि हम यदि घोर निराशा में होते हैं तो हमारे सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। एज थॉट्स स्टैंड म्यूट ऑन ए डिस्पेयरिंग वर्ज, जिस प्रकार से निराशा की सीमा पर पहुंचकर विचार ठहर जाते हैं। वेयर द लास्ट डेप्थ प्लंज इन टू नथिंगनेस, और ये वहां पर खड़े हैं जहां पर जो अंतिम गर्त है वो भी शून्य में डूब जाता है। एंड द लास्ट ड्रीम्स मस्ट एंड, यहां पर जो है अंतिम स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं। इस दहलीज पर, इस द्वार पर वो ठहर जाते हैं। उनके सामने क्या है इस समय? इन देयर फ्रंट वर ग्लूम्स लाइक शैडो इविंग्स, बिहाइंड देम पेल द लाइफलेस इवनिंग वॉज ए डेड मैंस गेज। तो उनके सामने दोनों ओर निराशा छाई हुई है और उनके पीछे जो है धुंधली और निर्जीव संध्या एक मृत मनुष्य की दृष्टि के समान थी। तो जैसे कोई निर्जीव मनुष्य हो, उसकी जो दृष्टि है, जो निर्जीव है, प्राणहीन है, वैसी ही वहां पर निर्जीव संध्या उनके पीछे थी। इन देयर फ्रंट वर ग्लूम्स लाइक शैडोई विंग्स, बिहाइंड देम पेल द लाइफलेस इवनिंग वॉज ए डेड मैंस गेज। और उससे थोड़ी दूर आगे वह जो रात्रि है वो सावित्री की आत्मा को निगलने का की प्रतीक्षा कर रही है। यह जो आगे आने वाली शाश्वत रात्रि है वो बहुत ही भयानक है। वहां पर आत्मा का भी जो अस्तित्व है वो खतरे में रहता है। हंग्री बियॉन्ड द नाइट डिजायर्ड हर सोल, और उससे कुछ आगे वह भूखी रात्रि
सावित्री की आत्मा को निगलने की प्रतीक्षा में है। परंतु सावित्री के पास एक शक्ति है, सावित्री की आत्मा में एक शक्ति है। कैसे है? बट स्टिल इन इट्स लोन निच ऑफ टेम्पल स्ट्रेंथ, मोशनलेस हर फ्रेम, ब्राइट स्पिरिट, म्यूट इरेक्ट, बर्नड लाइक ए टॉर्च फायर फ्रॉम ए विंडोड रूम, पॉइंटिंग अगेंस्ट द डार्कनेस सांब ब्रेस्ट। तो यहां पर जो सावित्री की आत्मा है वो एक शक्ति रूपी मंत्र मंदिर के एक आले में स्थित है। बट स्टिल इन इट्स लोन निच ऑफ टेम्पल्ड स्ट्रेंथ, तो वो जो आत्मा है एक शक्ति के मंदिर के एक आले में स्थित है। और वो कैसी है? मोशनलेस हर फ्लेम ब्राइट स्पिरिट, म्यूट इरेक्ट। और उसकी जो आत्मा है कैसी है? वो ज्योति सम उज्ज्वल है, मौन है, सीधी है और एक मशाल के समान प्रज्वलित है। बट स्टिल इन इट्स लोन निच ऑफ टेम्पल स्ट्रेंथ, मोशनलेस हर फ्रेम ब्राइट स्पिरिट, म्यूट इरेक्ट, बर्न लाइक ए टॉर्च फायर। और यह जो आत्मा है जो ज्योति समान जो उसमें प्रज्वलित है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो किस ओर जा रहा है? फ्रॉम ए विंडोड रूम पॉइंटिंग अगेंस्ट द डार्कनेस सांब ब्रेस्ट। और वहाँ जैसे एक खिड़की से प्रकाश निकलते हुए जो जो सामने उसके अंधकार है, जो रात्रि है, उसके गंभीर और निराशपूर्ण वक्ष की ओर संकेत करता है। फ्रॉम ए विंडोड रूम पॉइंटिंग अगेंस्ट द डार्कनेस सांब ब्रेस्ट। बट स्टिल इन इट्स लोन निच ऑफ टेम्पल स्ट्रेंथ, मोशनलेस हर फ्लेम ब्राइट स्पिरिट, म्यूट इरेक्ट, बर्नड लाइक ए टॉर्च फायर फ्रॉम ए विंडोड रूम पॉइंटिंग अगेंस्ट द डार्कनेस सांब ब्रेस्ट। और इसके बाद ये तीनों शाश्वत रात्रि में प्रवेश कर जाते हैं, उस द्वार को पार करते हैं। और इनमें सर्वप्रथम जो है जो कदम आगे रखती हैं वो सावित्री है। द वूमेन फर्स्ट अफ्रंटेड द अबिस, डेयरिंग टू जर्नी थ्रू द इटर्नल नाइट। और इन तीनों में सर्वप्रथम सावित्री उस शाश्वत रात्रि में यात्रा करने का साहस करते हुए वह आगे बढ़ती हैं। द वूमेन फर्स्ट अफ्रंटेड द अबिस, डेयरिंग द जर्नी थ्रू द इटर्नल लाइट। अब सावित्री जो है अपना कदम आगे बढ़ाती हैं। आर्मर्ड विद लाइट शी एडवांस्ड हर फुट टू प्लंच इनटू द ड्रेड एंड यूजलेस वेकेंसी। और जो सावित्री हैं वो एक प्रकाश से सुसज्जित हैं और वह फिर उस जो भयावह और विवर्ण, दैट इज ह्यूलेस, दैट मीन्स कलरलेस, और जो भय पैदा करती है ऐसी जो रिक्तता है वहाँ पर क्या है? देयर इज ऑल इज वेकेंट देयर। उस रात्रि में सब कुछ वेकेंट है। और वो किस प्रकार से है, वो वैकेंसी कैसी है जो भय पैदा करती है, और उसका वो विवरण है उसमें कोई रंग नहीं है, अंधकार है, कोई रंग नहीं है। तो उस में जो है आगे बढ़ने के लिए सावित्री अपना कदम आगे रखती हैं, उसमें कूदने के लिए, अर्थात वो गहरा भी है, इट्स जस्ट लाइक ए एबिस, एक गर्त के समान है, एक गहरे खाई के समान है। आर्मर्ड विद लाइट शी एडवांस्ड हर फुट टू प्लंच इन टू द ड्रेड एंड ह्यूलेस वेकेंसी। तो सावित्री आगे बढ़ती हैं, अपना कदम आगे रखती हैं उस रिक्तता में
कूदने के लिए। और इमॉर्टल अनअपाल्ड हर स्पिरिट फेस द डेंजर ऑफ द रूथलेस आईलेस वेस्ट। तो ये स्थान कैसा है? ये रूथलेस है, निर्मम। ये जो रिक्तता की बात की हमने, वेकेंसी की बात की, द डेंजर ऑफ द रूथलेस आईलेस वेस्ट, ये जो है निर्मम है, नेत्रहीन है, उजाड़ है। और इसमें सावित्री इसका सामना कैसे करती हैं? इमॉर्टल अनअपाल्ड हर स्पिरिट फेस्ड द डेंजर ऑफ द रूथलेस आईलेस वेस्ट। अर्थात सावित्री जो है अमर है, उनकी आत्मा अमर है, अभय है, निडर है, और वह उस निर्मम और नेत्रहीन उजाड़ में प्रवेश करती हैं उसका सामना करने के लिए। और तीनों जो है आगे बढ़ते हैं, और वो किस प्रकार, उनका जो वहाँ पर जो गति है वो किस प्रकार की है? वो एक ऐसी गति है, अब ये तीनों यमराज, सत्यवान और सावित्री उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और वो किस प्रकार की गति है? अगेंस्ट नाइट्स इंकी ग्राउंड दे स्टर्ड मोल्डिंग मिस्टीरियस मोशन ऑन हर ह्यूमन ट्रेड ए स्विमिंग एक्शन एंड ए ड्रिफ्टिंग मार्च लाइक फिगर्स मूविंग बिफोर आई लिड्स क्लोज। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो स्वप्न में तैर रहे हैं, और जैसे आँखों के बंद, आँखों के सामने कोई आकृतियाँ चल रही हों, तैर रही हों। अगेंस्ट नाइट्स इंकी ग्राउंड दे स्टर्ड, तो रात्रि के इस काले धरातल पर वे आगे बढ़ते हैं। परंतु सावित्री का मोशन कैसा है? मोल्डिंग मिस्टीरियस मोशन ऑन हर ह्यूमन ट्रेड, तो सावित्री मानवीय हैं, और वह अपनी गति में रहस्यमयी गति जो है ढाल देती हैं। मोल्डिंग मिस्टीरियस मोशन ऑन हर ह्यूमन ट्रेड, तो उनकी जो मानवीय गति है वो रहस्यमयी ढंग से बदल जाती है। और कैसी हो जाती है? ए स्विमिंग एक्शन एंड ए ड्रिफ्टिंग मार्च, कभी तो वो तैरने की है प्रक्रिया, और कभी वो बहती हुई गति होती है। तो इस गति से वो आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट नाइट्स इंकी ग्राउंड दे स्टर्ड मोल्डिंग मिस्टीरियस मोशन ऑन हर ह्यूमन ट्रेड अ स्विमिंग एक्शन एंड ए ड्रिफ्टिंग मार्च लाइक फिगर्स मूविंग बिफोर आई लिड्स क्लोज्ड ऑल एज इन ड्रीम्स वेंट स्लीपिंग ग्लाइडिंग ऑन। वे सभी ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई स्वप्न में फिसलते हुए और तैरते हुए जा रहे हों। और अब क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शाश्वत रात्रि का जो द्वार है और उसकी जो दीवारें हैं वो पीछे छूट जाती हैं। द रॉक गेट्स हैवी वॉल्स वर लेफ्ट बिहाइंड, तो यह जो शिला का जो द्वार है उसकी जो मोटी मोटी दीवारें हैं वो सब पीछे छूट जाती हैं। द रॉक गेट्स हैवी वॉल्स वर लेफ्ट बिहाइंड। और ये अब इसका वर्णन है कि वहाँ जो शून्य है वो कितना भयानक है, कितना गहरा है। यहाँ पर समय भी समाप्त हो जाता है। As if through passages of receding time, present and past, into the timeless last. तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो कैसा लगता है कि as if through passages of receding time, जैसे जो समय है वो पीछे जा रहा है और उसके जो गलियारे हैं, as if through passages of receding time, present and past, into the timeless last. तो वर्तमान और भूतकाल दोनों ही कालातीत में या अकाल में खो जाते हैं। अर्थात वहाँ पर ना तो वर्तमान की कोई सुध रहती है, ना ही कोई भूतकाल का
कोई सेंस रहती है, बोध रहती है। एज इफ थ्रू पैसेजेस ऑफ रिसीडिंग टाइम प्रेजेंट एंड पास्ट इनटू द टाइमलेस लैप्स्ड। और केवल वर्तमान और भूतकाल ही नहीं, अपितु जो भविष्य है वो भी वहां शून्य में डूब जाता है। अरेस्टेड अपॉन डिम एडवेंचर्स ब्रिंग, इस साहसी यात्रा के छोर पर ठहर कर, अरेस्टेड अपॉन डिम एडवेंचर्स ब्रिंग द फ्यूचर एंडेड ड्राउंड इन नथिंगनेस। तो वहां पर जो वातावरण है या जो शाश्वत रात्रि है उसको हम नथिंगनेस भी कह सकते हैं, शून्य है वो। और फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, उसमें डूब कर समाप्त हो जाता है। अरेस्टेड अपॉन डिम एडवेंचर्स ब्रिंग द फ्यूचर एंडेड ड्राउंड इन नथिंगनेस। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो ढहती जा रही हैं। अमिड कोलैप्सिंग शेप्स दे वाउंड ऑब्स्क्योर। तो वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो समाप्त होती जा रही हैं और उनके मध्य में वे तीनों अदृश्य घूम रहे हैं और घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अमिड कोलैप्सिंग शेप्स दे वाउंड ऑब्स्क्योर। अब ये जो आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी उन्होंने एक उपमा दी है श्री अरविंद ने कि ये किस प्रकार से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत सुंदर उपमा है। हमने देखा होगा कि अगर हमारे सामने कोई चित्र टंगा हुआ है और उस चित्र में कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और अगर हम उस चित्र को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि लोग चल रहे हैं पर वहीं ठहरे हुए हैं। और यदि हम देखें उसको दूसरी दृष्टि से देखें कि वहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है पर लोग चल रहे हैं, तो ये दोनों ही भाव हमारे वहाँ पर प्रकट होते हैं। और यही भाव उन्होंने यहाँ पर प्रकट किए हैं। द फेडिंग वेस्टिब्यूल्स ऑफ ए टेनिब्रस वर्ल्ड, उस अंधकारमय जगत के धूमिल होते गलियारों में। द फेडिंग वेस्टिब्यूल्स ऑफ ए टेनिब्रस वर्ल्ड रिसीव्ड देम। तो यह जो अंधकार जगत है जिसकी जो गलियारे हैं वो धूमिल हो रहे हैं, डूब रहे हैं, उन्होंने उसका स्वागत किया उन तीनों का। वेयर दे सीम टू मूव एंड येट बी स्टिल, जहां ऐसा प्रतीत होता था कि वो आगे बढ़ रहे हैं पर भी फिर भी वो स्थिर है। नो वेयर एडवांसिंग येट टू पास, और वो कहीं नहीं जा रहे परंतु फिर भी चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और ये कैसा है, ए डम प्रोसेशन इन ए डिम पिक्चर बाउंड, जैसे कोई एक धूमिल चित्र में एक मूक जलूस चित्रित किया गया हो, बंधा हुआ। नॉट कॉन्शियस फॉर्म्स थ्रेडिंग अ रियल सीन, और ये इस प्रकार से नहीं था कि एक सचेत दृश्य में कोई सचेत आकृतियां आगे बढ़ती हों, अर्थात सभी कुछ एक चित्र के समान वहां पर बढ़ रहा था। और अब हम देखते हैं कि इसका जो है सावित्री पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये जो शाश्वत रात्रि है उसमें जब प्रवेश करने के बाद उस वातावरण का, उस सत्ता का सावित्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि एक जो है एक शून्य है, निर्दयी शून्य, वो सावित्री को घेर लेता है और एक दैत्यकार, दैत्य स्वरूप एक कंठ सावित्री को निगल लेता है। ए मिस्ट्री ऑफ टेरर्स बाउंडलेसनेस गैदरिंग इट्स हंग्री स्ट्रेंथ द ह्यूज पिटीलेस वॉइड सराउंडेड स्लोली विद इट साउंडलेस डेप्स। तो एक हमारे पास एक निर्दयी शून्य है, द ह्यूज पिटीलेस वॉइड,
विशाल है। हम कल्पना करें, हम शाश्वत रात्रि में यात्रा कर रहे हैं। द ह्यूज पिटीलेस वॉइड, एक विशाल निर्दयी शून्य है। वो ऐसा शून्य है जो पिटीलेस है, वो किसी की, उसमें कोई कंपैशन नहीं है, कोई करुणा नहीं है। ह्यूज विशाल है, अनंत है। ए मिस्ट्री ऑफ टेरर्स बाउंडलेसनेस, और यह एक असीम आतंक का रहस्य लिए हुए है। इसमें जो है एक आतंक छुपा हुआ है, उसका रहस्य यहां पर है। ए मिस्ट्री ऑफ टेरर्स बाउंडलेसनेस गैदरिंग इट्स हंग्री स्ट्रेंथ, इसने अपनी जो भूख की जो शक्ति है उसको एकत्र कर लिया है। अब हम सोचें, हमारे सामने एक शून्य है, विशाल है, निर्दयी है और उसमें आतंक से पूर्ण है। उसने अपनी भूख को एकत्रित कर लिया है और उसके पश्चात वो क्या करता है, अपनी निशब्द गहनताओं से, उसकी जो गहनताएं हैं, गर्त हैं चारों ओर, वो निशब्द हैं, साउंडलेस हैं, और वो धीरे धीरे सावित्री को घेर लेते हैं। ए मिस्ट्री ऑफ टेरर्स बाउंडलेसनेस गैदरिंग इट्स हंग्री स्ट्रेंथ द ह्यूज पिटीलेस वॉइड सराउंडेड स्लोली विद इट्स साउंडलेस डेप्थ्स। और केवल इतना ही नहीं, और क्या होता है, एंड मॉन्स्ट्रस केवर्नस ए शेपलेस थ्रोट। तो एक वहां पर कंठ है, कैसा है, मॉन्स्ट्रस, दैत्य रूपी है। केवर्नस, वो गुफा के समान है। शेपलेस, उसका कोई आकार भी नहीं दिखाई देता। डिवोर्ड हर इनटू इट्स शैडोई स्ट्रैंगलिंग मास, और उसने जो है सावित्री को निगल लिया है, परंतु वो कैसा है, दम घोटू है, स्ट्रैंगलिंग मास, तो उसकी जो सत्ता है वो चोक कर देती है। द फियर्स स्पिरिचुअल अगोनी ऑफ अ ड्रीम, और ये एक ऐसा था जैसे कोई स्वप्न की भीष्म त्रासदी हो। एंड मॉन्स्ट्रस केवर्नस ए शेपलेस थ्रोट डिवोर्ड हर इनटू इट्स शैडोई स्ट्रैंगलिंग मास द फियर्स स्पिरिचुअल अगोनी ऑफ अ ड्रीम। और अब सावित्री के चारों ओर एक अंधकार का पर्दा आ जाता है, और वो एक ऐसा पर्दा है जो अभेद्य है, इट कैन नॉट बी पियर्स, ए कर्टन ऑफ इम्पेनिट्रेबल ड्रेड। उसमें एक भय है जिसको चीरा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। ए कर्टन ऑफ इम्पेनिट्रेबल ड्रेड द डार्कनेस हंग अराउंड हर केज ऑफ सेंस, और जो सावित्री का जो बोध रूपी पिंजरा है उसके चारों ओर एक पर्दा, अभेद्य पर्दा, वो आ जाता है। वो कैसा है, अंधकार से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, वो सावित्री के चारों ओर आ जाता है। और वो स्थिति कैसी होती है, बड़ा सुंदर वर्णन है। हम वर्णन इसको इस तरह से इमेजिन करें, आगे की पंक्तियों में आएगा, कि एक जंगल में एक कोई पशु है जिसको एक पेड़ से बांध दिया गया है, और वो रात को वहाँ पर है। उसके मन में भय है कि किसी भी क्षण कोई हिंसक पशु आकर उसको खा जाएगा। ये ऐसी स्थिति है। तो ये पंक्तियाँ हम देखें, एज वेन द ट्रीज हैव टर्न टू ब्लॉटेड शेड्स, तो ये किस समय की वर्णन कर रहे हैं, कि जैसे जो वृक्ष है वो छाया रूपी धब्बे बन गए हैं। अब हम कल्पना करें कि हम एक वन में हैं, वहाँ पर शाम से धीरे धीरे रात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश ढलता जाएगा तो वो जो वृक्ष हैं उनकी आकृति खत्म होती जाती है, वो धब्बों में बदलते जाते हैं। एज वेन द ट्रीज हैव टर्न टू ब्लॉटेड शेड्स एंड द लास्ट फ्रेंडली ग्लिमर फेड्स अवे, और ऐसे वातावरण में जो प्रकाश की जो किरण है वो हमारे मित्र के समान होती है,
हमें सहारा देती है, हमारे को आशा देती है। और जब वो चली जाती है, वो जो आखिरी किरण है वो चली जाती है, तो हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? As when the trees have turned to blotted shades and the last friendly glimmer fades away, around a bullock in the forest tied by hunters. और तब जब एक बैल जिसको एक पेड़ पर बांध दिया गया है शिकारियों द्वारा, उसके चारों ओर closes in no empty night, और एक ऐसी रात्रि जो भय से भरी हुई है, संकट से भरी हुई है, उसे घेर लेती है, तो ऐसी ही स्थिति सावित्री की होती है। ए कर्टन ऑफ इनपेनिट्रेबल रेड द डार्कनेस हंग अराउंड हर केज ऑफ सेंस एज व्हेन द ट्रीज हैव टर्न्ड टू ब्लॉटेड शेड्स एंड द लास्ट फ्रेंडली ग्लिमर फेड्स अवे अराउंड ए बुलक In the forest tied by hunter closes in no empty night. और यहाँ पर ये जो रात्रि है कितनी भयानक है, इसका वर्णन आ रहा है कि यहाँ पर विचार भी समाप्त हो जाते हैं। और कैसे समाप्त होते हैं? The thought that strives in the world was here unmade. वह जो विचार है, जो जब वो संसार में होता है और संघर्ष करता है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। इस रात्रि के, इस शून्य के प्रभाव में वो विचार समाप्त हो जाता है। द थॉट दैट स्ट्राइव्स इन द वर्ल्ड वॉज हेयर अनमेड, वो समाप्त हो जाता है। इट्स एफर्ट्स इट रिनाउंस टू लिव एंड नो कन्विंस्ड एट लास्ट That it had never been. और ये जो विचार है अंततः आश्वस्त हो जाता है कि वो कभी था ही नहीं, अर्थात जो हमारी माया की कल्पना है कि एक सब कुछ इमेजिनेशन है या वस्तुतः हम हैं ही नहीं, तो ऐसा ही जो विचार ये अनुभव कर रहा है, convinced at last that it had never been. इसके प्रति आश्वस्त होकर कि वे कभी था ही नहीं, इट्स एफर्ट इट रिनाउंस टू लिव एंड नो, इसने अपने जीने और जानने का जो प्रयास था वो भी त्याग दिया। इट पेरिश्ड ऑल इट्स ड्रीम्स ऑफ एक्शन डन, और इसके जो कर्म का स्वप्न है, जो कर्म इसने धरा पर किए, वो अब एक स्वप्न रूपी है और वो पूर्णतः समाप्त हो गए हैं, और उनके समाप्त होने से यह नष्ट हो जाता है। इट पेरिश्ड ऑल इट्स ड्रीम ऑफ एक्शन डन, किसके जो है जो स्वप्न रूपी जो कर्म है वो जब समाप्त हो जाते हैं तो यह नष्ट हो गया। दिस क्लॉटेड सिफर वॉज इट्स डार्क रिजल्ट, और यह किस प्रकार से इसका अंत होता है कि यह एक शून्य रूपी ढेला बन जाता है, शून्य में यह भी शून्य हो जाता है, यही इसका अंत होता है। और इस वातावरण में और क्या होता है? तो विचार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन केवल यही नहीं, यहां पर मन और प्राण भी असफल हो जाते हैं, यहां तक कि आत्मा भी जो है अपने को अनुभव नहीं कर पाती है। यह ऐसा वातावरण है, यह ऐसी सत्ता है। इन द स्मदरिंग स्ट्रेस ऑफ दिस स्टूपेंडस नॉट, इस अति विशाल और विस्मयकारी शून्य के धम घोटू वातावरण में, ये नॉट, ये जो नकार है, शून्य है, नकारता है, ये जो निषेध है, ये कैसा है? स्टूपेंडस, विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है। स्मदरिंग स्ट्रेस, और इसका वातावरण जो है दम घोटू है। इन द स्मदरिंग स्ट्रेस ऑफ दिस स्टूपेंडस नॉट माइंड कुड नॉट थिंक, यहां पर मन सोच नहीं सकता। ब्रेथ कुड नॉट ब्रीद, प्राण श्वास नहीं ले सकता। द सोल कुड नॉट रिमेंबर और फील इटसेल्फ,
और आत्मा अपने को स्मरण अथवा अनुभव नहीं कर पाती थी। तो ये ऐसा वातावरण है। इन द स्मदरिंग स्ट्रेस ऑफ दिस स्टुपेंडस नॉट माइंड कुड नॉट थिंक, ब्रेथ कुड नॉट ब्रीद, द सोल कुड नॉट रिमेंबर और फील इटसेल्फ। और यह इसकी और व्याख्या है, ये जो इटर्नल नो है ये कैसा है, इसको शाश्वत नो कहा गया है, शाश्वत निषेध, शाश्वत शून्य। यहाँ पर ना ही आनंद है, ना ही विश्राम है और ना ही शांति है। कई बार हम सोचते हैं कि शून्यता का अर्थ है कि विश्राम और शांति, अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि यह ऐसा शून्य है, यह इटर्नल नो और शाश्वत शून्य ऐसा है कि जहाँ कोई आनंद नहीं है, कोई विश्राम भी नहीं है और शांति भी नहीं है। इट सीम्ड ए होलो गल्फ ऑफ स्टराइल एम्प्टीनेस। यह जो है बंजर रिक्तता की एक खाई प्रतीत होती थी कि ऐसा है कि सब कुछ स्टराइल है, बंजर है, रिक्तता है और एक बहुत गहरी खाई है। इट सीम्ड ए होलो गल्फ ऑफ स्टराइल एम्प्टीनेस, ए जीरो ऑब्लिवियस ऑफ द सम इट क्लोज्ड। और ये एक ऐसा शून्य है जिसको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या समाहित है, उसके प्रति ये अनभिज्ञ है। एन एबनेगेशन ऑफ द मेकर्स जॉय, यहाँ सृष्टा के आनंद का निषेध है। एन एबनेगेशन ऑफ द मेकर्स जॉय सेव्ड बाय नो वाइड रिपोज, यहाँ कोई विस्तृत विश्राम नहीं है, नो डेप्थ ऑफ पीस, कोई शांति की गहनता नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग जो मनुष्य है, अगर शांति की कल्पना करता है, शून्यता की कल्पना करता है, तो वो शांति की कल्पना करता है, विश्राम की कल्पना करता है। ये शून्य उससे भी अधिक गहरा है। यहाँ पर ना तो आनंद है, ना ही विश्राम है और ना ही शांति है, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसको और आगे इसी का वर्णन है, ऑन ऑल दैट क्लेम्स हेयर टू बी ट्रुथ एंड गॉड, वह सब जो यहां पर सत्य और भगवान होने का दावा करता है। अब इस शाश्वत शून्य में देखिए क्या हो रहा है, ऑन ऑल दैट क्लेम्स हेयर टू बी ट्रुथ एंड गॉड, यहां जो कुछ भी सत्य और भगवान होने का दावा करता है, एंड कॉन्शियस सेल्फ एंड रिवीलिंग वर्ड, जो अपने को सचेतन आत्मा और सत्य प्रकट करता हुआ शब्द होने का दावा करता है, एंड द क्रिएटिव रैप्चर ऑफ द माइंड, और मन का सृजक आनंद होने का दावा करता है, एंड लव एंड नॉलेज एंड हार्ट्स डिलाइट, जो प्रेम ज्ञान और हृदय के आनंद होने का दावा करता है, देयर फेल द इमेंस रिफ्यूजल ऑफ द इटर्नल लो, और वहां उन पर उस शाश्वत शून्य का घोर नकार आ गिरता है। अर्थात यह जो सत्ता है इन सभी को नकार देती है, अर्थात वहां कुछ भी शेष नहीं है। इन्हीं पंक्तियों को दोबारा लेते हैं एक बार, ऑन ऑल दैट क्लेम्स हेयर टू बी ट्रुथ एंड गॉड, एंड कॉन्शियस सेल्फ एंड द रिवीलिंग वर्ड एंड द क्रिएटिव रैप्चर ऑफ द माइंड एंड लव एंड नॉलेज एंड हार्ट्स डिलाइट, देयर फेल द इमेंस रिफ्यूजल ऑफ द इटर्नल नो। इन सब पर शाश्वत शून्य का जो घोर नकार है वो आ गिरता है। और इस अंधकार में सावित्री खो जाती हैं। As disappears a golden lamp in gloom, born into distance from the eyes desire, जैसे कोई स्वर्णिम दीप
नेत्रों से दूर होकर खो जाता है, लुप्त हो जाता है, एज डिसअपियर्स ए गोल्डन लैम्प इन ग्लूम। जब कोई स्वर्णिम दीप है और वो हमारी आंखों से दूर चला जाएगा तो एक निराशा का भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसा जैसे वो निराशा में चला गया है। एज डिसअपियर्स ए गोल्डन लैम्प इन ग्लूम बॉर्न इन टू डिस्टेंस फ्रॉम द आईज डिजायर्स। वो क्या आंखों की चाह से बहुत दूर किसी निराश में लुप्त हो गया है। इन टू द शैडोज वैनिश सावित्री। उसी प्रकार सावित्री उस अंधकार में खो गई। तो ये इस प्रकार का शून्य है, शाश्वत शून्य, जहां पर हमने देखा कि सावित्री पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। मैं थोड़ा सा जो है 2 मिनट आपके और लूंगा, फिर हम इसे वार्ता को यहाँ समाप्त करेंगे कि इस सर्ग में आगे क्या होने वाला है। ये शाश्वत रात्रि, इसमें तीनों यम, सत्यवान और सावित्री आगे बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि जो यम हैं सावित्री को अनेक प्रकार से वापस लौटने के लिए कहते हैं। वो सावित्री को वरदान के रूप में सत्यवान के पिता की आंखें और राज्य दोनों लौटा देते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं लौटती हैं। वे सावित्री को कहते हैं कि मृत्यु जो है सार्वभौम है। जैसा हमने अभी देखा, यह जो शाश्वत शून्य है यह मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहता। तो यम उसे कहते हैं कि जो मृत्यु है सार्वभौम है और यह सभी का आदि भी है, अंत भी है। अर्थात वो सावित्री से कह रहे हैं ये जो शाश्वत शून्य है यहीं से सब उदय होता है और यहीं सब अंत हो जाता है, यही सर्वोपरि है, परम है और यही सार्वभौम है। वे कहते हैं यदि इससे परे कोई शाश्वत सत्ता है भी, कोई परम सत्ता है भी, तो वह उदासीन है, निश्चल है और एकाकी है। अर्थात वह तेरे पकड़ में नहीं है, तू उसे प्राप्त नहीं कर सकती, और यदि तुझे उसे प्राप्त करना ही है तो भी तुझे इस मृत्यु के द्वार से ही होकर जाना होगा। और इस प्रकार कहते हुए यम सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तुम सत्यवान को भूल जाओ और धरा पर वापस लौट जाओ। परंतु सावित्री इस वाणी से विचलित नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि सावित्री ने पहले ही ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है जिनके द्वारा वो मृत्यु को जीतने में सक्षम बन गई हैं। तो सावित्री विचलित नहीं होती, वे परम ब्रह्म को जानती हैं, उन्होंने उनको देखा है, जो परात्पर है उसको देखा है, उन्होंने वासुदेव को इस सृष्टि को धारण करते देखा है, उसी परम ब्रह्म को वासुदेव के रूप में इस सृष्टि को धारण करते हुए देखा है। उन्होंने ये जाना है कि यही परात्पर मनुष्यों में भी विद्यमान है। सावित्री ये भी जानती हैं कि वे स्वयं भगवान की एक लहर है और इसलिए सावित्री यम के जो है सभी तर्कों को और सुझावों को अस्वीकार कर देती हैं और वो तीनों आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे कि वो शाश्वत रात्रि बीत जाती है और दूर पूर्व में उषा दिखाई देने लगती है और तब हम जो है अगले सर्ग पर आ जाते हैं। धन्यवाद। अब हम एक बार शांति मंत्र और कर लेंगे जैसा कि हम करते हैं और फिर इसका समापन करेंगे।
शांति शांति शांति।